सुरू जिले में नव नियुक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने सुजानगढ़ कोतवाली थाने का शाम को निरीक्षण किया। इस दौरान डीएसपी राम प्रताप शिनोई, सदर थाना अधिकारी मनोज कुमार मूंड, कोतवाली सीआई मुकुट बिहारी मीणा ने कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर चर्चा करते हुए एसपी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं शहर का राउंड लेते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के उपायों के बारे में पुलिस अधिकारी के साथ एसपी ने चर्चा की। एसपी ने बताया कि जन सहयोग से बेहतर कानून व्यवस्था जनता को उपलब्ध करवाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए आवश्यक है जनता भी सूचनाएं देकर पुलिस का सही समय पर सहयोग। जो सर्किल है उसमें जो तीनों थाने हैं उसका एरिया देखा है और सलासर मंदिर जहाँ वीवीआईपी ड्यूटी काफ़ी बार रहती है तो उसका एक बार देखा है और पूरा जो सर्किल है उसके अधिकारियों से भी चर्चा हुई है। यहाँ कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण। सोने घर में दिन दहाड़े चोरी हो जाने का मामला सामने आया है और वो भी कोतवाली पुलिस थाने से चंद मिनटों की दूरी पर। कोतवाली पुलिस को इस बारे में अशोक कुमार प्रजापत निवासी अंबेडकर भवन के पास सुजानगढ़ ने रिपोर्ट देकर बताया कि 14 फरवरी को हम लोग पड़िहारा गए थे। दोपहर बाद में ही हमारे पास घर में चोरी हो जाने की सूचना आ गई थी, जिस पर घर में आकर देखा तो पाया कि एक सोने की चेन, पेंडल सहित एक जोड़े कानों के झुमके, दो जोड़ी पाजेब, दो चांदी की अंगूठी, मंगलसूत्र आदि सामान और 10,000 रुपये नकद चोरी हो गया। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में प्रार्थी ने बताया कि मोटरसाइकिल पर चोर आए थे जो गांधी वृत्त के रहने वाले लड़के हैं जिन्होंने चोरी की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुबह 10:10 बजे घरों निकला, शाम तक 5:30 बजे घर पहुंचा, 3:30 बजे वारदात हुई। पिक मान मैं सगड़ो सामान की जड़ो देखो जिना मारो भाई को लड़को बचोरा का सामने पीछो करो को घर भी देख रहा। बीके बाद कमान मैं 6:45 बजे लगभग थाना पहुंच गया और थानादार बन रिपोर्ट लिखाई और रिपोर्ट लिखा। बीके बाद में मारे भाई को लड़को और एक बात को मोहल्ला को जाता हूँ लड़को जो को मान जानो बे बीके घर गया बे पुलिस के सागर गया और बंग पुलिस बन हिदायत दे रही कि भी सुबह थे सामान थोड़ा उनको दिया और तो मामलो तांगो सल्टा लिया। चोरी में कहीं कहीं सामान चोरी सामान का मान एक तो चेन सोने की चेन भी के सागर लोकेट पेंडेंट हो के नाव को और दो कानों का एयरिंग का जगह झुमका बोल रहा बंद मारवाड़ी में सोने का आगे भी और दो 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 जोड़ी पाजेब आई चांदी की और दो 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 जोड़ी बिछुड़े आई दो जोड़ी अंगूठे दो दो अंगूठे आई तीन अंगूठे आई और चार पांच मतलब डुप्लीकेट मंगलसूत्र पेंडेंट था और लगभग 10,000 रुपया। सुजानगढ़ की कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार 12 अप्रैल 2022 को थानमल तवन निवासी नलियाबाद सुजानगढ़ ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाकर विदेश भेजने के नाम पर ठगी का आरोप लगाया था, जिस पर पुलिस ने आरोपी कुलजीत पुत्र अरविंद अरोड़ा निवासी दिल्ली को गिरफ्तार किया है। कुल 14,23,378 रुपए की ठगी विदेश भेजने के नाम पर करने का आरोप लगाया गया था। सीआई मुकुट बिहारी मीणा ने आरोपी कुलजीत अरोड़ा को न्यायालय में पेश किया है जहां से उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। सुजानगढ़ के मांडी थाना क्षेत्र में आम लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए बनाए गए ओपन जिम में लगे उपकरण सिस्टम से सेट नहीं हो पाए हैं और ठेकेदारों की लापरवाही के कारण आमजन इसके लाभ लेने से महरूम है। जानकारी के अनुसार नए तो इस ओपन जिम की बाउंड्री वॉल पर कोई गेट लगाए गए और नए ही भर्ती पूरी की गई है, जिसके कारण यह जिम लोगों के लिए सुविधा बनने के बजाय दुविधा बन गया है। दूसरी ओर इस तथाकथित ओपन जिम में लगाए गए कुछ उपकरण फाउंडेशन कच्चा होने के कारण कुछ ही दिनों में जमींदोज हो गए हैं। बात यह है कि यहाँ पर केवल धूल उड़ रही है। अधिकारियों की उदासीनता के कारण सरकार का आम लोगों को स्वस्थ बनाए रखने का मिशन असफल होता नजर आ रहा है और लोग सवाल करने लगे हैं कि आखिरकार जब ये जिम काम नहीं आ रहा है तो यहाँ पर जनता के पैसे खर्च करने की क्या आवश्यकता थी। सुरेंद्र कुमार ने बताया कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए ताकि यहाँ आने वाले लोगों को जिम का लाभ मिल सके। दूसरी ओर अशोक कुमार जाखड़ ने बताया कि सरकारी पैसे का हर स्तर पर जनहित में सदुपयोग होना चाहिए लेकिन यहाँ पर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। वहीं पार्षद फरजाना बानो ने बताया कि भर्ती करवाने वाले और उपकरण लगवाने वाले ठेकेदार अलग अलग हैं। यहाँ पर लगी ओपन जिम में लापरवाही हुई है जिसके बारे में आयुक्त और सभापति को अवगत करवाया जा चुका है लेकिन 2 माह का समय बीत गया है।
समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। दूसरी ओर इस प्रकरण में आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने कहा कि यह प्रकरण नगर परिषद के ध्यान में है। ओपन जिम के आधे उपकरण तो पास के घर में रखे हुए हैं, जल्द ही वापस ओपन जिम को सही करवाने का काम शुरू किया जाकर इसकी उपयोगिता सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि इस समस्या का समाधान कब तक हो पाता है। यही कह रहे हैं, जब से ये ओपन जिम की शुरुआत की है, पहली तो यही बात है, इसको लग गई काफ़ी टाइम हो गए, जैसे 2 साल से ये पूरा हुआ है। पहले 4 दीवारी का निर्माण हुआ धीरे धीरे, फिर ये जो भी ओपन जिम की सारा जो लाया हुआ था वो कई दिन ऐसे ही पड़ा रहा, उसके बाद में इसको लगाया गया। अब इसमें क्या है, एक तो पूरी भर्ती नहीं की हुई है, भर्ती भी अधूरी है, जैसे मेन रोड से ये काफ़ी 2-3 फुट नीचा है, तो बरसात के समय में इसमें ये समस्या रहेगी। दूसरी बात है, जो ये उपकरण लगाए हैं वो लगाने से पहले ही गिर गए, सारे जो बिखरे पड़े हैं, नट बोल्टू किसी में एक कसा है, 2 की जगह 1 कस दिया, ये पहले से ही सारे ऊक चूक हो चुके हैं। तो हमारी मोहल्लेवासियों की तरफ से यही मांग है कि इस जिम की वापस से देख रेख नगर पालिका द्वारा की जाए, और जो ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ी है उसको नगर पालिका या किसी अधिकारी द्वारा जाँच करके इसको ध्यान में लिया जाए। लीलगढ़ समाज के नव मनोनीत अध्यक्ष मोहम्मद हसन भाटी, सचिव सूफी सुल्तान, कोषाध्यक्ष अब्दुल जब्बार के हल्का अभिनंदन समारोह धरना स्थल पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनी संगत मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, कॉमरेड राम नारायण रूलाणिया, साबरीली चौहान, पूरम चंद मेघवाल, भगवान राम बिजारिया, एडवोकेट बनवाजलाल बिजानिया, पार्थ सिराज खान कायमकानी, साबरीली चौहान, गुरुदेव गोदारा, गुरुदेव बेड़ा, एडवोकेट महेंद्र गुलेरिया, राजकुमार स्वामी, सत्यनारायण सांकला, मुमताज काजी, एडवोकेट गंगाधर मूल सहित बड़ी संख्या में लोगों ने माल्यार्पण करके तीनों पदाधिकारियों का स्वागत किया। इस अवसर पर कॉमरेड राम नारायण रूलाणिया ने कहा कि तीनों पदाधिकारी समाज व शहर में सामाजिक कुरीतियों को मिटाने की कोशिश करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। वहीं सचिव सूफी सुल्तान ने कहा कि अध्यक्ष मोहम्मद हसन भाटी के समाज हित में किए गए कार्यों के मद्देनजर ही समाज के लोगों ने इनको अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। कार्यक्रम में तीनों पदाधिकारियों को मिठाई भी खिलाई गई। ये हमारे नीलगढ़ समाज वार्ड नंबर 50-51-52 के अध्यक्ष के रूप में भाई संजीव भाटी को जो है नियुक्त किया गया है सर्व समाज से, और इनका जो कार्यशैली देख करके समाज के लोगों ने, युवाओं ने इन पर विश्वास व्यक्त किया, विश्वास जताया कि ये लोग जिस तरह से समाज के कार्य में हमेशा आगे रहते हैं, तो जब जिम्मेदारी दी जाएगी तो और ज़्यादा ये बढ़ चढ़ करके आगे रहेंगे। इनका अहम रोल हमारे यहाँ डीजे बजाना बंद करने में और मृत्यु भोज बंद करने में, इस सारे कार्यक्रमों में इनका अच्छा रोल रहा, और इनके कार्यों को देखते हुए, इनकी टीम को देखते हुए इनको अध्यक्ष मनोनीत किया गया। आज सुजानगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति की तरफ से आप लोगों ने जो हमारी टीम का स्वागत किया, इस्तकबाल किया, इसके लिए मैं पूरे कार्यकर्ताओं का, पूरे जो है यहाँ के लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जनहित संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने एडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर सीएम के नाम एडीएम भागीरथ चौधरी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में सुजानगढ़ को पूरक बजट में ही जिला घोषित करने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान मोर्चा अध्यक्ष एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, कॉमरेड राम नारायण रूलाणिया, पूनम चंद मेघवाल, भगवान राम बिडारिया, एडवोकेट बनवारी लाल बिजानिया, पास्टर सिराज खान कायमकानी, साबरीली चौहान, गुरुदेव गोदारा, गुरुदेव बेड़ा, एडवोकेट महेंद्र गुलेरिया, मुमताज काजी, एडवोकेट गंगाधर मुंड, जवाहर भुट्टा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सभी ने एडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला बनाने को लेकर के पिछले 392 दिनों से सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना जारी है, और इस बजट के अंदर सुजानगढ़ की घोषणा हो ऐसी पूरी सुजानगढ़ की जनता को उम्मीद थी, लेकिन बजट के अंदर घोषणा नहीं हुई। अब सप्लीमेंट्री बजट पेश होने वाला है, उसमें सुजानगढ़ की जनता को उम्मीद है, इसलिए एडीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देकर के मांग की है कि कल जो सप्लीमेंट्री बजट है उसके अंदर सुजानगढ़ की घोषणा की जाए।